दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आप लोगों की तैयारी? तो आज बात करेंगे हमारे होमवर्क सीरीज़ के बारे में जो चल रहा था। देखिए, बिहार सब इंस्पेक्टर का जब प्री हुआ स्टार्ट होने वाला था, नोटिफिकेशन वगैरह आया था मार्च में, तो हमने मार्च में एक होमवर्क सीरीज शुरू किया था जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा था और उसने द एग्ज़ाम पोर्टल को काफ़ी आगे बढ़ाया था। उसी तर्ज पर हम लोगों ने मेन्स में भी एक होमवर्क सीरीज शुरू किया था। जब 26 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके दो तीन चार दिन बाद हमने बच्चों को रिलैक्स दिया था, क्योंकि मार्च से लगातार 8 महीने तक हमने तैयारी करवाई थी बिना रुके हुए। हम लोग पहले लग रहा था कि मई तक में एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर लगा अगस्त, लेकिन फाइनली दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था। तो ग्रुप हमने रन किया था 8 महीने तक। उसका प्राइस पेड ग्रुप था, 49 रुपये का टोकन मनी रखा था, जिसमें एक मात्र एक बार देना था आपको, ठीक है। तो उसी के तर्ज पे 26 तारीख को, तीन चार दिन के बाद, अभी भी जो काफ़ी लोग हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी चल रही, तो कैसे करना है, क्या करना है, उस पर कर रहे थे। हम लोगों ने भी आपको बताया कि कैसे तैयारी करनी है, कौन सी सेल्फ स्टडी में बुक पढ़नी है, क्या कट ऑफ रहेगा, इन सब पर भी बात किया था। लेकिन पैरेलली जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप चल रहा था, 4 तारीख से कंटिन्यूसली रन करने लगा था। बेसिकली क्या है कि जो जॉब का ऐसा सिनारियो है, तो एक जगह बैठ के कुछ हो नहीं सकता कि मैं आपको ऐसा कुछ टास्क दूंगा फिर पढ़ें। लेकिन जो हमारा होमवर्क सीरीज था, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, उसके बाद आपके सारे क्वेरी क्लियर हो जाएंगे कि कैसे ग्रुप चलता है, क्या क्या होता है। उस टाइम मैं अपना थोबड़ा ऐसे दिखा के सब बता देता था, लेकिन इस पर बाकायदा बोर्ड है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि उस पर सब कुछ कैसे कैसे होता है, समझ जाइएगा, और आपको ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है ना, सब बता दूंगा। देखिए, तो वो चला था, तो इस बार ग्रुप को हमने, जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, उसका नाम है जॉब टारगेट। इसको इसलिए हमने अभी तक कंबाइंड रखा है क्योंकि रिजल्ट के बाद कुछ बच्चे जो बाउंड्री लाइन पे थे, उनका पढ़ाई नहीं रुके। यदि उनको कोई शंका लग रहा था, तो उस समय ग्रुप डी एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम्स थे अपकमिंग में, जो कि अभी भी हैं, तो उनकी भी तैयारी हो, तो इसके लिए कंबाइंड बैच बनाया गया था। उस बैच में हमने क्या किया था, क्या क्या चल रहा है, अभी मैं आपको बता देता हूँ। सुबह 9 बजे से चलता है। देखिए, सारे ग्रुप जो हैं, ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे क्विज बोर्ड के माध्यम से कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ टेस्ट क्विज बोर्ड पे होते हैं, कुछ हमारा जो द एग्ज़ाम पोर्टल .in.com का जो हमारा वेबसाइट है उस पर होता है लिंक के माध्यम से, जैसे टेस्ट बुक वगैरह जो टेस्ट कराते हैं वैसे। देखिए, इसके रीज़न क्या है। पहला, हम लोग जैसे मान लीजिए कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, मान लीजिए कि आप लूसेंट का, क्राउन वगैरह का बुक खरीदते हैं और रख दे रहे हैं, तो आप उसको पढ़ नहीं पाइएगा। ले तो सेम वही है, लेकिन जब आपको एकदम टास्क मिले कि कल ही पढ़ना है, तो आप किसी भी हाल में उसको पढ़िएगा। तो हम टेलीग्राम क्विज बोर्ड पे कराते थे कि मान लीजिए आपको लूसेंट का ज्योग्राफी पूरा दे दिए हैं, पढ़ना है, और आपका कल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो टेस्ट परसों दिन नहीं हो पाएगा। तो आपके पास एक टाइम फिक्स रहता था कि भैया हमको इतने टाइम में पढ़ लेना है, तो उस समय सब लोग अपनी हाजिरी लगाते थे और अपना टेस्ट देते थे, इसका फ़ायदा होता था। लिंक पे हम लोग टेस्ट इसलिए कराते हैं कि कुछ लोग जॉब वगैरह में रहते हैं या मेंस में मैथ के कुछ प्रश्न रहते हैं जो कि टाइम बाउंडेड सिचुएशन में टेलीग्राम पे नहीं होता है, तो वो हम लोग लिंक से कराते थे वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं आपको सब बता दे रहा हूँ क्या होता था। 9 बजे सबसे पहले हम लोग पहले करेंट कराते थे, लेकिन मेंस, दरोगा मेंस में थोड़ा सा साइंस और अदर चीज़ों की प्राथमिकता है, इसलिए हमने सबसे पहले स्पीडी को चुना है। स्पीडी को हम लोगों ने इसलिए चुना था कि ये आपके लिए 2-in-1 फ़ायदा करेगा। रेलवे के कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि बिहार दरोगा में आए थे, जैसे मतलब ह्यूमैनिटीज वाले कुछ प्रश्न और कुछ अटपटे 4-5 प्रश्न इससे मिले थे, तो क्या पता कि मेंस में भी वो प्रश्न आ जाएँ, इसलिए हमने स्पीडी शुरू किया। और स्पीडी जो है, जैसे लूसेंट जनरल एग्ज़ाम के लिए है, तो रेलवे के लिए, वैसे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए सारे प्रश्न लगभग ठीक ठाक प्रश्न स्पीडी के, जीके और जीएस से आ जाते हैं। तो हमने सबसे सुबह में स्पीडी और लूसेंट हम चला रहे थे। लूसेंट इसलिए चला रहे थे कि लूसेंट एक बेसिक बुक है, दुनिया भले कि ये बुक वो बुक, लेकिन एक मानक बुक है। यदि आपने थोड़ा सा भी कुछ कुछ पढ़ा है, तो लूसेंट पढ़ के आप कवर कर सकते हो। तो सुबह 9 बजे स्पीडी और लूसेंट चलता था, 11 बजे सेट चलता था मैथ और ये सब के। अब भी उसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप डी और एनटीपीसी के कुछ कुछ सेट दिए जा रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम उस टाइम ये मतलब प्रोटेस्ट वगैरह होने लगा, तो हमने टाइम बदल दिया था, कुछ दिन के लिए रोक दिया था, लेकिन अभी कंटिन्यू चल रहा है। 1 बजे आपका फुल फ्लेज टेस्ट चलता है दरोगा मेंस के लिए, ठीक है। अभी 1 महीने 4 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं, तो उसमें ऐसे तो 20 टेस्ट होने चाहिए थे एक वीक में, हम लोगों ने टेस्ट शुरू कर दिया था, कंटिन्यूसली 20 टेस्ट होने चाहिए थे, बट 16 टेस्ट हुआ है। एक दो दिन हम लोगों ने भी छुट्टी मार लिया था। इसमें हम लोगों ने टोटल हिलेंगे तो माइक गिर जाएगा,
100 का टारगेट रखा है और लास्ट में सबका पीडीएफ मिलेगा आपको, टाइप हो रहा है। 16 टेस्ट हो गए हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है डेली एक एक टेस्ट होगा 5 दिनों तक और लास्ट में आपको पीडीएफ मिलेगा। दरोगा मेंस के लिए 10,000 यूनिक प्रश्न, जो कि परीक्षा वाणी से, घटनाचक्र से और कुछ मतलब अलग अलग बुक से, जैसे महेश बनवाल की बुक है, लूसेंट क्राउन, इन बुक से बनाया जाता है मैथ रीजनिंग के सेम प्रोपोर्शन में जो एग्ज़ाम में आएंगे। 100 टेस्ट, 16 हो गए हैं, अभी 84 बाकी हैं। एनसीईआरटी सार संग्रह काफ़ी मतलब दूसरे चैनल है, बड़े बड़े जो गुरु लोग हैं उन्होंने कहा था कि एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, तो एनसीईआरटी इतना जल्दी पढ़ना, मान लीजिए कोई बच्चा वनडे एग्जाम फेज मोड में होता है तो उसके लिए एनसीईआरटी इतना जल्दी पढ़ लेना मतलब उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए इनका एक जिस्ट होता है, तो जिस्ट में जो एनसीईआरटी बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन जो एनसीईआरटी का महेश बनवाल का सार संग्रह है उसको थोड़ा सा एक मतलब अच्छा रेटिंग मिलता है, तो हम लोग शाम में उसको करा रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह। और करंट भी जरूरी है, तो करंट शाम में 6 बजे होता है एनसीईआरटी सार संग्रह और करंट। मैथ के टॉपिक आपको दे दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, बिहार के हर बच्चे का मैथ मिला जुला के बढ़िया रहता है, तो मैथ का टॉपिक आपको मिल जाता है। देखिए बोर्ड इसलिए लाया गया है कि या तो बिहार में बच्चे मैथ में बहुत अच्छे होते हैं या तो बिल्कुल जीरो होते हैं। जो बहुत अच्छे होते हैं इन्होंने बहुत सारे ट्रिकी गुरुओं से पढ़ रखा होगा, उनको भी हेल्प होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी नहीं है, लड़कियां खास करके जो मतलब एकदम बेसिक, तो दरोगा में, बीपीएससी में और एनटीपीसी वगैरह में जो मैथ आते हैं एकदम बेसिक से, एकदम देसी स्टाइल में, मतलब ट्रिक मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खुद एक मतलब साइंस बैकग्राउंड करा हूं, तो मैथ का छोटा छोटा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, ट्रिकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं रहेगा, देसी में कि अच्छा ए वाला यहां लगाएंगे, दिमाग लगा लगा के आपको सॉल्व कराऊंगा, भले टाइम ज़्यादा लगे लेकिन आप दरोगा मेंस का एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें प्रश्न आपको 25 के आसपास रहेंगे, 20-25 आपके पास टाइम बहुत बचा रहेगा, लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो मैं कुछ कुछ आपको सिखाऊंगा उसमें, इस बोर्ड का हेल्प लूंगा। तो अभी आपको टॉपिक वाइज मैथ दिया जा रहा है जिससे आप एक बार पढ़ लीजिए, है ना। और जो हमारा वेबसाइट है theexampportal.com, उस पर हम लोगों ने क्राउन, यदि जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए क्राउन के लगभग 2000 प्रश्न उस पर प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में डाल दिए गए हैं। आप क्राउन का पेज वाइज पढ़िए, आप वहाँ जाके टेस्ट डालिए, तो वहाँ पे 2000 प्रश्न डाल दिए गए हैं। 8 इसके टेस्ट हैं, ग्रुप डी के हो गए हैं, एनटीपीसी के लगभग यहाँ 50 टेस्ट इसके लेने हैं, 50 टेस्ट इसके लेने हैं, और 100 टेस्ट जो है आपका, 100 टेस्ट है इसका लेना है दरोगा का। और देखिए ये अभी ग्रुप कंबाइंड है, जैसे ही दरोगा का रिजल्ट आएगा इस ग्रुप को हम लोग सेपरेट करेंगे और उसमें डेली 3 टेस्ट चलाएंगे, एक टॉपिक वाइज चलाएंगे, एक बोर्ड पे चलाएंगे और एक लिंक पे चलाएंगे, ताकि आपका तीनों का कॉम्बिनेशन बना रहे। आप डेली मतलब अपना हाजिरी लगा के भी टेस्ट दें, आप अपना टाइम निकाल के भी टेस्ट दें और टॉपिक भी कवर हो, ये हमारा प्रयास है रिजल्ट आने के बाद। लेकिन रिजल्ट आने से पहले आप इतना अगर कवर कर लेते हैं तो आप एक एज में रहेगा, रिजल्ट के चक्कर में भी आप रुकिएगा। देखिए हम लोगों ने भी सोचा था, सब सोच रहे थे, मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं हूँ कि रिजल्ट आएगा आएगा, नहीं आ रहा है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, रिजल्ट टाइम पे आ जाता है। स्कूल खुल रहे हैं बिहार में, कोरोना भगवान की दया से कम हो रहा है, स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, तो जो भी पेंडिंग में बचे हुए एग्जाम हैं वो फटाफट होंगे, बिहार एसएससी का शायद रिजल्ट आ जाए जल्दी, जो ये वाला है इन लोग को कुछ मिले, तो उसके बाद ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि जो पेंडिंग्स में हैं वो आए, तो एक साथ इतना सारा जॉब आएगा, तो उसमें जो मिला जुला के सिलेबस सबका 90% सिलेबस वही है जो कि हम अपने ग्रुप में तैयारी करा रहे हैं। तो एक महीना हो गया है हमने लगभग, इसमें स्पीडी और इन सब से 3000 प्रश्न, एनसीईआरटी सार संग्रह से 3-4 हज़ार प्रश्न, 1600 प्रश्न दरोगा मेंस के लिए, 1-1000 इस पे, और टॉपिक वाइज करके 7-8 हज़ार प्रश्न, 10 हज़ार प्रश्नों की तैयारी करा दी है। अभी उसमें 4-5 महीने और बचे हैं दरोगा मेंस तक। दरोगा मेंस में एक ग्रुप अलग बनेगा स्पेसिफिक, क्योंकि हमने शुरू में दरोगा प्री के लिए बनाया था, मेंस के लिए भी बनाएंगे लेकिन रिजल्ट आने के बाद, तो उस समय भी सेम वही चार्ज रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, फीस का खुलासा कर देता हूँ, बाकी सब मैंने बहुत बार बताया है, 151 रुपये का पेमेंट करना है, और ये 151 रुपये एक मुश्त देना है आपको, मतलब ये नहीं कि ये मंथली फ़ी है, 151 रुपये है लगभग 5-6 महीने, यानी अगर आप मंथली ये जुड़ें तो हम लोग 30 रुपये चार्ज करते हैं। ये इसलिए रखते हैं कि जो लोग काम करते हैं चाहे जो अपना एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं उनको कुछ बेनिफिट हो इस ऐसे, तो 151 रुपये का एक ये रहता है, ठीक है। अब इसको जुड़ना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा
क्या करना है, फ़ोन वगैरह नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन वगैरह बनाते हैं उनको भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, कुछ लोग वेबसाइट पे डाल रहे हैं, और मैं कुछ 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 अभी नया नया जॉब लगा है तो हवा में ज़्यादा उड़ रहा हूँ, तो काम भी ज़्यादा रहता है। इस वजह से आप कॉल वगैरह करिएगा तो कोई पिक नहीं करेगा। करना क्या है आपको, 93183 16 254 इस पर पेमेंट करना है आपको, गूगल पे से, फ़ोन पे से, पेटीएम वगैरह, भीम वीम जो भी है, इससे आप 151 पेमेंट करके, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है पेमेंट का, फोनवा दिए तो जी मेरा वाला फोनवा, आपको पेमेंट करना है 151 का, ठीक है। आप उसके बाद स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को इस नंबर पे भेजना है, 9693199271, इसको ध्यान से देख लीजिए, इस पे भेजना है आपको। कुछ फ़ोन वगैरह नहीं करना है, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है क्या होगा क्या नहीं। हम लोग मतलब 5 महीने में लगभग 50,000 प्रश्नों का से ज़्यादा का ये करना है। दरोगा जो मेंस हो रहा है का टेस्ट चल रहा है 16, उसका PDF देंगे, लेकिन लास्ट में देंगे। अभी आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, एक ही बार सारा 50 हो गया तो PDF दे देंगे, तो आपका PDF से एक बार दोबारा लग जाएगा, तो प्रश्न बेहतर है उसको आप तैयार कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स का एक वार्षिकांक आ रहा है, टाइप हो रहा है, वो सब आपको ऐसे ही फ्री में वेबसाइट पे या PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन, इस पे पेमेंट करिए 16, इस पे 151 का, और इस पे कर देना। फ़ोन वगैरह करना नहीं है, क्योंकि इतना समय नहीं रहता, और ना फ़ोन कीजिएगा कोई नहीं रिस्पॉन्स देगा तो आपको लगेगा कि नहीं फ़ोन उठा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे करना है। एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, और क्या होगा क्या नहीं इस पे हमने बता दिया। मतलब 1500-1600 प्रश्न हो गए हैं दरोगा मेंस के लिए, कोई भी मार्केट में इतना कंपैटिबल जो नहीं है कि 100 टेस्ट आपको चला के दे, और मतलब 20-25-40-50 हज़ार प्रश्नों का घटना चक्र। एक और बात, घटना चक्र जैसे ही रिजल्ट आएगा, तीसरे वाले ग्रुप में हम लोग जो दरोगा मेंस वाला शुरू होगा उसमें घटना चक्र चलाएंगे, क्योंकि घटना चक्र भले प्रश्न इस बार प्री में अटपटे आ गए हों, लेकिन घटना चक्र, लूसेंट क्राउन, स्पीडी इन और NCERT सार संग्रह, इन सब की महत्व मतलब ये इम्पोर्टेंस बना हुआ है, ठीक है। तो इन सबको ये करना है, घटना चक्र शुरू करेंगे। टेस्ट कंटिन्यू चल रहा है, जिनको जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, वो उसी हिसाब से मेरिट का भी वेट करते रहेंगे, और मेरिट आगे निकल जाएगा। अपने आप को एज से आगे निकालना है, एज लेना है, तो आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज कहीं भी ज्वाइन करना है। मैं ऐसा कर नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों ने कौन सा 1 लाख का फीस रखा है कि आपको हाथ पकड़ के ज्वाइन कराएंगे, बायजूस जैसा 151 का फीस है, ज्वाइन करना है बेहतर लगेगा। ये दीजिए आप, ये होमवर्क सीरीज है, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे हैं जहाँ पे होमवर्क सीरीज चल रहे हैं, 1000 1200 1500, सबका अपना कंपैटिबिलिटी के हिसाब से। हमारे यहाँ जो काम करते हैं सारे स्टूडेंट्स ही हैं, उनका भी अपना मेहनत होता है, उनके भी खर्चे निकलते हैं, उनकी भी ये काम आती है, और उनका भी मेहनत दिखता है, उनको प्रश्नों पर पकड़ रहता है, इस वजह से हम लोग इतना ही फीस रखते हैं। बहुत प्रोफेशनल टाइप का कुछ भी नहीं है। theexamportal.com पे जाइए, रेलवे के, क्राउन के, घटना चक्र वगैरह के कुछ फ्री टेस्ट वहाँ पे चल रहे हैं, आपको मिलेंगे, तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया है, कैसे क्यों कहाँ कब क्या क्या होगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, 151 दीजिए, इस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और आपको जोड़ दिया जाएगा कुछ टेस्ट क्विज बोर्ड पे, और कुछ ग्रुप में चलेंगे, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, कुछ और भी अमेजिंग चीज़ों के साथ। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं सीख रहा हूँ ये सब बोलना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए। जय हिंद।